भारत में हम आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या में कमी करने और अन्य नुकसानों को कम करने की दिशा में समन्वयित प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में फेलिन, हुदहुद और फोनी जैसे तीन बड़े चक्रवातों से प्रभावी तरीके से निपटना एक दशक से अधिक समय के दौरान नीतिगत पहलों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, पहले से तैयारियां, प्रशिक्षण और क्षमता विकास का सीधा परिणाम है। चक्रवात फोनी के दौरान केवल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 1999 में आए अकेले ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरे शब्दों में एक दशक से थोड़े अधिक समय में हमने होने वाली मौतों की संख्या को हम विगत में होने वाली मौतों की संख्या के 1% से भी कम पर लाने में सफल हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 90% जिलों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं को पूरी कर ली है। आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्रों के संसाधन क्षमता की भी उपयोगिता के प्रावधान से इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया है। आपदा प्रबंधन में लगी व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किया है। इस पुरस्कार से भारत में आपदा के दौरान कार्रवाई करने वाले लोगों को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाएगा और उनका उत्साह बढ़ाया जाएगा। मैंने इंडियन ओशन ड्रीम देशों के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। वस्तुतः इस महीने हमने इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार करने हेतु इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन देशों की एक बैठक आयोजित की है।